नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। क्या नवंबर तक खत्म नहीं होगा कोरोना का संकट? आज ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर राष्ट्र को संबोधित किया। अपने 17 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट की चर्चा की, भारत की हालत दुनिया के मुकाबले बेहतर बताई, लोगों से ज्यादा सावधानी बरतने और नियमों के पालन करने की अपील की गई। साथ ही 80 करोड़ जरूरतमंद लोगों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक जारी रखने का ऐलान भी किया। तो विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। विपक्ष ने पीएम मोदी के इस ऐलान को बिहार के चुनाव से जोड़ दिया। कांग्रेस ने सीधे सीधे कहा है कि पीएम मोदी से देश को कोरोना संकट, नौकरी जैसे मुद्दों पर बातें सुनने की उम्मीद थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने निराश किया है। तो वहीं AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर मदद में भी मजहबी रंग ढूंढ लिया। ओवैसी ने ट्वीट किया कि पीएम मोदी ने दिवाली का नाम लिया, छठ का नाम लिया और अन्य त्योहारों के नाम भी लिए, लेकिन बकरीद का जिक्र उन्होंने क्यों नहीं किया? तो आज इन्हीं मुद्दों पर हम महाबहस करेंगे और पूछेंगे कि क्या नवंबर तक दूर नहीं होगा कोरोना संकट। यह सवाल चर्चा के केंद्र बिंदु में लाएंगे। अनलॉक वन की लापरवाही ने क्या मुश्किलों को बढ़ा दिया है, यह सवाल हम उठाएंगे। गरीबों की मदद कांग्रेस के लिए क्या चुनावी चाल है और ओवैसी को मदद में भी मजहब दिखता है, यह भी सवाल हम उठाएंगे। पीएम मोदी से क्या सुनना चाहता है विपक्ष, यह एक सवाल हम लेकर के आएंगे और इन सवालों पर अब हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए और फिर चर्चा करते हैं। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, दिवाली छठ तक 80 करोड़ लोगों को मिलेगा मुफ्त अनाज। 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी बोले, कोरोना काल में देश की स्थिति दुनिया के तमाम देशों से बेहतर। कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत संभली हुई स्थिति में है। लेकिन विपक्ष को नहीं भाया पीएम का संबोधन। राहुल गांधी ट्वीट कर बोले, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा। प्रधानमंत्री ने 90,000 करोड़ की प्रधानमंत्री अन्न योजना का ऐलान किया है गरीब लोगों के, अच्छी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, अगर आप डीजल और पेट्रोल की कीमत कम कर देते जो 30 और 35 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती, तो गरीब लोगों को और ज्यादा फायदा। इतना ही नहीं, विपक्ष पीएम के ऐलान को बिहार बंगाल के चुनाव से जोड़कर देखने लगा। ममता बैनर्जी ने बगैर देर किए जून 2021 तक मुफ्त राशन का ऐलान कर दिया। तो वहीं तेजस्वी यादव बोले, कोरोना से लड़ाई के बजाय सरकार का ध्यान बिहार चुनाव पर है। यहाँ सरकार में बैठे हुए लोगों को कोरोना से लड़ना चाहिए, तो ये लोग अपनी चुनावी तैयारी कर रहे हैं। इनको चुनाव की चिंता है, ना कि लोगों की चिंता है। ओवैसी तो एक कदम आगे बढ़ गए, ट्वीट कर बोले, पीएम ने कई त्योहारों का नाम लिया लेकिन ईद को क्यों भूल गए। यानी ओवैसी को मदद में भी मजहब दिखाई दे रहा है। तो वहीं बीजेपी ने विपक्ष को मदद पर सियासत करने को लेकर जमकर घेरा है। आज जिस तरह से देश में संकट है, उस संकट में लोगों की सेहत और सलामती, उसके साथ ही साथ रोजी और राशन, ये सारी चीजें किसी भी तरह से समाज के किसी भी हिस्से में अविश्वास का माहौल न पैदा हो, किसी तरह के कष्ट और संकट का माहौल न पैदा हो, इस संकट में उस संकट के समाधान के संकल्प से भरपूर उनका संदेश था, उनकी बात थी। साफ है, कोरोना काल में भी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है और पीएम के संबोधन पर छिड़ गया है महासंग्राम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। डॉक्टर एम वली सीनियर फिजिशियन है, वो हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं इस चर्चा में, और डॉक्टर चंद्रमोहन बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारे साथ अभी ऑल पार्टियों के नेता भी जुड़ेंगे। शेष नारायण सिंह
वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे, दीपक सिंह कांग्रेस के विधायक है वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नेश श्रीवास्तव अंडर सेक्रेटरी हैं गृह मंत्रालय के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। और खासतौर पर हमने सैयद आरिफ हुसैनी प्रवक्ता है AIMIM के, उनको बुलाया है क्योंकि मजहबी जो बातें सामने आई हैं इस पूरे मसले पर उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले चंद्रमोहन जी आपके पास आ रहा हूं, आपने जो कदम उठाए लॉकडाउन के दौरान, आपने जो कदम उठाए अनलॉक के दौरान, प्रधानमंत्री के संबोधन से एक बात तो साफ हो जाती है कि अनलॉक वन में जिस तरीके की छूट दी गई उसका जो फायदा मिलना चाहिए था संख्या कम होने में, उसका कहीं ना कहीं नुकसान हुआ और यह संख्या बढ़ गई, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और संबोधन देश के नाम था आज, और उन्होंने देश को संबोधित करते हुए एकदम जो व्यवहारिक बात है, जो सच बात है, जिसको हम और आप सब स्वीकार करते हैं, उस बात को उन्होंने एकदम जनता के सामने रखा। उन्होंने आग्रह किया कि दो गज की दूरी और मास्क, जान और जहान को साथ में लेकर हमको चलना है, इस बात पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने साथ में ये भी एक उत्साहवर्धन किया कि जो स्थितियां आज भारत की हैं वो अन्य विकसित देशों की तुलना में भारत बहुत बेहतर स्थिति में इस कोरोना की लड़ाई को लड़ रहा है, और हमने इस पर जो मतलब आप मानते हैं सरकार ने जिस उद्देश्य के साथ अनलॉक वन लेकर के आई थी वो आपका कामयाब नहीं हो पाया और उस पर लोगों ने पानी फेर दिया, इस बात को आप मानते हैं? नहीं, ये कहां का है, ये ना प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना हमने कहा है, और इसके कहीं चार लोगों के कारण से, इतना बड़ा देश है, अगर कुछ लोग नियम तोड़ते हैं इसके कारण से, ऐसा नहीं है कि जो लोग नियमबद्ध हैं उनको हम सवाल खड़ा करें, ये अनुपम जी बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुसंख्यक जनता ने, देश की बहुसंख्यक जनता ने नियमों का पालन किया है और नियमों का पालन कर रही है, उसी का परिणाम है कि आज देश बेहतर स्थिति में है। आज प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री ने भी यही कहा चंद्रमोहन जी की, लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से पालन किया गया वो अनलॉक वन में दिखाई नहीं दिया। नेश श्रीवास्तव अंडर सेक्रेटरी गृह मंत्रालय में, श्रीवास्तव साहब स्वागत है आपका। ये जो बात कही जा रही है अनलॉक वन वाली, और अब हम अनलॉक टू में है, अनलॉक टू की गाइडलाइंस कल आ चुकी है, सवाल ये है क्या अनलॉक वन की लापरवाही आज हमें इस दौर में ले आई है, इस वक्त में ले आई है जब कोरोना के इतने मरीज सामने आ रहे हैं? ने श्रीवास्तव साहब आवाज मिल रही है आपको मेरी? आप शुरू हुई है अनुपम, आपका सवाल आधा तो मैंने सुना था जी जी, लेकिन जैसे पहले भी उन्होंने बोला, पहले वक्ता ने, कि देखिए अनलॉक एक ज़रूरत है देश की, बिकॉज हम बहुत समय तक इसको लॉकडाउन नहीं कर सकते थे। इकोनॉमिक कंडीशंस देश की ऑफ कोर्स बिगड़ रही थी, लोग भी बहुत दिनों से घर के अंदर थे, तो वो एक ज़रूरत थी। जहाँ तक हम समझते हैं, सरकार समझती है कि अनलॉक एक नीड थी, और अनलॉक करने के बाद जिस तरह से भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वापस पटरी पे आई हैं और जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, वो एक बहुत बड़ी ज़रूरत होने के साथ साथ लोगों ने इसका ध्यान भी दिया है। हाँ, कुछ केसेस ज़रूर होंगी, हमारी पॉपुलेशन 135 करोड़ है, दिल्ली में भी ऑफकोर्स हम देख रहे हैं, हम दिल्ली में भी ऑफिस जाते हैं, तो जो NCR रीजन है वहाँ से लोग रेगुलरली अप डाउन करते हैं, और इसी तरह से फंक्शन होगी, तो जो थोड़ी बहुत आप केसेस बढ़े हुए दिख रहे हैं वो बढ़ेंगे। कोरोना अभी भी, जैसे प्रधानमंत्री साहब ने भी बोला कि बाकी देशों के मुकाबले हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन और सवाल यहाँ पर ये है कि हम स्थितियां बेहतर है, लेकिन प्रधानमंत्री के संबोधन से जो संकेत निकला जिसको हम समझ पा रहे हैं या जिसके बारे अगर इस तरीके से निकाले जाए कि एक तरफ तो गरीबों को जो मुफ्त राशन की बात आई है वो नवंबर तक, यानी कि दिवाली का भी जिक्र हुआ, उसमें छठ का भी जिक्र हुआ, दूसरी बात कल जो गाइडलाइंस अनलॉक टू की आई है उसमें तमाम चीजों को जुलाई के अंतिम दौर तक नहीं खुलने की बात कही गई है, तो क्या यह माना जाए कि इस संकट से अभी हमें निजात मिलने वाली नहीं है? अनुपम, बिल्कुल आप और हम सभी जनता को और जितने भी लोग हैं हिंदुस्तान में उनको यह समझ लेना चाहिए कि हमें कि हमें कोरोना के साथ ही जिंदगी को जीना है और लड़ना है। जैसे चंद्रमौली साहब ने भी कहा कि हमको दो गज दूरी और मास्क ज़रूरी है, वो लगा के चलना है, और इस आदत को अपनी जीवन शैली में ढाल लेना है और इसी के साथ आगे बढ़ना, मतलब भी आपको कहना है कि अब हमें कोरोना के साथ जीना है और कोरोना के साथ ही आगे अपनी जिंदगी को आगे लेके जाना है। डॉक्टर एम वली, सीनियर फिजिशियन है आप,
जो बातें डॉक्टर साहब आपने सुनी होगी तमाम चर्चाओं में, नए साहब आ रहा हूं मैं आपके पास, एम वली साहब कि ये वैक्सीन आ रही है, इस वैक्सीन को लेकर के बातें हो रही हैं। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर होने की बात कही, प्रधानमंत्री ने कोरोना को लेकर के मैसेज देने की बात की, सवाल ये कि अनलॉक वन जिसको हमने सबने देखा, क्या उस वक्त अगर गंभीरता दिखाई गई होती तो अनलॉक टू में ये परिस्थिति, ये हालात नहीं होते? नहीं, ऐसा कहना मैं सही नहीं समझता हूं। केसेस तो बढ़े हैं, केसेस तो विश्व में जिस देश में अनलॉक हुआ है वहां बढ़े हैं और बहुत ज्यादा तादाद में बढ़े हैं। ब्राजील का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, मैक्सिको का कोई मुकाबला ही नहीं है, सब जगह बढ़े हैं, सभ्य समाज में भी बढ़े हैं। अगर ये हम ये इस तरह से सोचें कि अनलॉक वन से पहले अगर लॉकडाउन ना हुआ होता तो क्या आलम होता, तो वो सोचना ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए हमारे यहाँ जो है बहुत ज़्यादा मरीज संक्रमित जो होते हैं वो सीरियस नहीं हो रहे हैं, ये कुदरत की देन है, प्रकृति का इनाम है, भगवान जी की कृपा है कि हमारे अंदर अच्छी इम्यूनिटी है। अभी तीसरी MMR वैक्सीन का भी रोल आया है कल ही कि हमारे अंदर कुछ न कुछ टीकों की वजह से, खाने की वजह से, टीबी की वजह से, मलेरिया की वजह से हम लोग कम सफर कर रहे हैं और हल्की तरह सफर कर रहे हैं। बिल्कुल वली साहब, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, इस पर मैं आऊंगा। मेरे साथ सैयद आरिफ हुसैनी जो गए जो कि प्रवक्ता है AIMIM के। आरिफ साहब स्वागत है आपका। सवाल ये है, प्रधानमंत्री देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं, देश की जनता को कोई संकट ना हो, गरीबों को कोई संकट ना हो, उसके लिए इतने लोगों को मुफ्त में अनाज, मुफ्त में राशन दे रहे हैं, विपक्षियों ने भी इसकी मांग की थी, अब आप इसको मजहबी रंग देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्यों आप कह रहे हैं कि बकरीद का नाम नहीं लिया आपने रखी है? अच्छा तो साहब क्या सबका साथ सबका विकास का नारा किसका लगाया हुआ था? हमारा था कि प्रधानमंत्री साहब का था लगाया हुआ नारा? ये नारा तो प्रधानमंत्री साहब ने ये नारा लगा के देश की सबसे बड़ी गद्दी पे बैठ गए और आप कह रहे हैं कि गरीबों को अनाज देने की बात कर रहे हैं। तो साहब एक बात बताना पड़ेगा प्रधानमंत्री साहब को और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को कि किस तरह का अनाज गरीबों को दिया जा रहा है। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं आपसे, मतलब मुसलमानों को ये अनाज नहीं मिलेगा, हिंदू को मिलेगा, सिख को मिलेगा, ईसाई को मिलेगा, सबको मिलेगा आप कहते हैं, मुसलमानों के लिए नहीं है अगर बकरीद का नाम नहीं लिया तो, क्या ऐसा मतलब है आपका? नहीं तो साहब क्यों साहब सबका साथ सबका विकास का नारा किनका था? आप प्रधानमंत्री साहब का था ना, क्यों जवान में मोह छाई बकरीद का नाम लेने के लिए? ये सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। चंद्रमोहन जी जवाब दीजिए, ये सुनना चाहते हैं जवाब आपका। चंद्रमोहन जी जवाब दीजिए। देखिए अनुपम जी, हम सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये हमारा संकल्प है, हम इसे पूरा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर किसी से धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ हो, उत्तर प्रदेश में किसी के साथ में धार्मिक आधार पर भेदभाव हुआ हो तो कोई बता दे हमको, सबके साथ एक समान व्यवहार है। हमने प्रधानमंत्री विकास कार्य किया है, अभी अनाज दिया है, साहब सिर्फ झूठ बात कर रहे हैं, बीजेपी के लोगों को दिया है, बीजेपी के लोग पूरी तरीके से फैला हो चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं वो। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स, ये वोट बैंक की घटिया पॉलिटिक्स करना बंद करो। अच्छा अच्छा, वोट बैंक की पॉलिटिक्स मत करो। वोट बैंक की पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी जी ने की है, गरीब को हिंदू समाज को एक जगह करने के लिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स की है। मत बांटो, गरीब का मतलब गरीब होता है। अरे साहब आपसे हमने बड़ा सीधा सवाल करे, आप जवाब क्या दे रहे? गरीब को कोई गरीब नहीं होता, झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री भी झूठ बोल रहे हैं, पूरे बीजेपी के लोग सिर्फ लफड़ा कर रहे हैं। भाई जनता फैसला करेगी आरिफ साहब, जनता फैसला करेगी कौन नफरत पैदा कर रहा है और कौन प्यार बांट रहा है। रुकिए आरिफ हुसैनी, रुकिए चंद्रमोहन, रुकिए दीपक सिंह हमारे साथ हो गए हैं, कांग्रेस के MLC हैं। दीपक सिंह आज तो आप खुश होंगे, आपकी पार्टी ने जो सात मांगों को रखा था, बीजेपी ने गरीबों को मुफ्त राशन की बात कर दी, आज तो आप खुश होंगे, सरकार को बधाई देनी चाहिए आपको। देखिए अगर हम कहें कि सरकार अहंकार में नहीं आई तो ये हम इसलिए कहेंगे कि हमारे देश में कानून बने हैं, हमारे देश में राष्ट्रीय मोचन निधि है जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, या हमारे देश में जो भोजन का अधिकार है, भोजन मौलिक अधिकार है, हम ये उम्मीद करते थे कि जो भोजन मौलिक अधिकार है
सरकार उससे भाग रही थी, लेकिन सरकार ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर देश के प्रधानमंत्री मात्र ये घोषणा करने आए कि हमारे देश में जो कानून लागू हैं उसका हम अनुपालन करेंगे। देश प्रधानमंत्री से ऐसी उम्मीदें नहीं करता है। देश प्रधानमंत्री से उम्मीद करता था देश आज प्रधानमंत्री जी बड़ी बातें करेंगे, देश में जो आज संकट है उससे निपटने की बात करेंगे, देश में जो बंद की बात है उन्होंने मतलब चाइना से जो बात आप सुनना चाहते थे वो बात नहीं की उन्होंने, लेकिन आपकी ही मांग थी दीपक से, आपकी ही मांग थी कि गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाए, दिया प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस बात का ऐलान किया, तो दिक्कत क्या है? देश का कानून है, देश का कानून है, भारतीय भोजन का अधिकार भारत का मौलिक अधिकार है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत और आपके नेता ने स्पष्ट कर दिया भारतीय को मिलना चाहिए। कलची हैं जो माननीय सुषमा स्वराज जी ने, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने जो शेर 2011 में पढ़ा, कलची कौन है? देश देखता है। अगर भाजपा ने नकल करनी होती कम से कम राहुल गांधी की, आज हमारे देश में संकट नहीं आया होता। राहुल गांधी जी शुरू से कह रहे थे आपको कोरोना महामारी से कैसे निपटा जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अहंकार में अपने अहंकार में रैलियां करती रही, बहुत बड़ी बड़ी रैलियों करके भारत को गेट पे आप कोरोना बना दिया। अगर राहुल गांधी की सलाह माने होते तो आज देश सुरक्षित होता। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। बिल्कुल बिल्कुल, रुकिए भाई रुकिए, दीपक जी रुकिए। नहीं, सवाल यहाँ पर गया। आरिफ मुसैरी साहब, आप कह रहे हैं कि बीजेपी की मानसिकता खराब है। सवाल यह है कि अगर बीजेपी गरीबों के लिए, उन लोगों के लिए जो कोरोना के संकट में अन्न जिनको नहीं मिल पा रहा, राशन जिनको नहीं मिल पा रहा, उनके लिए कोशिश कर रही है, तो उसमें आपको मजहबी रंग क्यों नजर आता है? ऐसी क्या वजह है? सिर्फ बकरीद का नाम नहीं लेने से आपको लग गया कि मुसलमानों को इग्नोर कर दिया गया? मैं आपको साफ लफ्जों में कह रहा हूं साहब कि नरेंद्र मोदी साहब खुली झूठ बात कर रहे हैं। कोई गरीबों के लिए अनाज का काम नहीं कर रहे हो। महाराष्ट्र के अंदर एपीएल की एक स्कीम है साहब, केसरिया कार्ड की, उसके ऊपर अभी महीना भर पहले राशन चालू हुआ। 4 महीने हो गए आपको लॉकडाउन डाल के, अभी तक लोगों को अनाज नहीं था गरीबों को। शरणार्थी अपने पैदल मजदूर सड़कों पे गए, कईयों ने अपनी जान दे दी। और ये गरीबों की बात करें ना, सिर्फ मेरे को 1-30 सेकंड का टाइम दीजिए साहब। आप गरीबों की बात करें, कोरोना के अंदर अभी तक 16,893 लोगों की जान गई है। अरे लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना साहब, इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी की मानसिकता मुसलमानों के खिलाफ है। बीजेपी के नेता, अगर प्रधानमंत्री अगर किसी बात को संबोधित कर रहे हैं, अगर वो बकरीद का नाम नहीं लेते, अगर वो छठ का नाम लेते हैं, अगर वो त्योहारों की बात करते हैं, तो त्योहारों में तो बकरीद भी आती है ना। इसका मजहबी रंग देने से आप क्यों ताल्लुक कर रहे हैं? नहीं साहब, वो ऐसी कोई बात जबान से लेना ही नहीं चाहते जिससे मुसलमानों का फेस्टिवल आता है। आप बताओ मेरे को कहां पर लिया मैंने आज तक नाम उनके? चंद्रमोहन जी चाहता है विभाजन की, ऐसा लगता है आपको विभाजन की पॉलिटिक्स दूर हो जाती है? नहीं, मैं अनपढ़ जी से दूसरी बात कर रहा हूँ। आयुष्मान से लेकर अरे जब बकरीद आएगी तो हम अरे देश कहाँ जा रहा? अभी ईद आई थी हमने उत्तर प्रदेश में, हमने उसकी शुभकामनाएं दी। भाई शिवनारायण सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ। रुकिए भाई चंद्रमोहन जी, रुकिए हुसैनी साहब रुकिए। शिवनारायण जी, सवाल यहाँ पर ये है, क्या सियासत में सब कुछ दांव पर लगा दिया जाएगा? अगर अगर सरकार, केंद्र सरकार अच्छे इनिशिएट लेकर के गरीबों तक मुफ्त राशन लेकर के जा रही है, तो उसको चुनाव से जोड़ा जा रहा है, उसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। शेष नारायण जी, ये क्या 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 वाकई में इसके इस तरह के मायने निकाले जाने चाहिए? बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, आप बीजेपी को बचा नहीं सकते, हर महास में विफल हो चुकी है। भाई हुसैनी साहब रुकिए, सब रखिए, आपको मौका दिया जा रहा है। शेष नारायण जी बोलिए। देखिए, आप सरकार का जो फर्ज है आज की तारीख में, वो 3 फर्ज हैं जी। एक तो कोरोना से लड़ाई कैसे लड़ी जाए, उसका इलाज, उसका वैक्सीन, और उसके जो लोग बेकार हुए हैं जिनके पास खाने को दिक्कत है तो उसको कैसे किया जाए, ये करना है। और वो आज खाने वाली बात उन्होंने की, आज उद्योग की बात नहीं की, आज उन्होंने उसके वैक्सीन किया है उसकी भी बात चल रही है, आज मीटिंग हुई थी उसकी भी बात नहीं। एक तो बात ये है। दूसरी जो इस वक्त देश के सामने संकट है वो चाइना की तरफ से है, तो वो भी एड्रेस करना है उनको, ये सारी चीजें एड्रेस करना है। जो गरीबों को खाना देना नवंबर तक जो बहस है वो तो बहुत मामूली पार्ट है पूरे इस वक्त जो देश के सामने संकट है। और प्रधानमंत्री का, राज्यों की सरकारों का, सबका फर्ज है, पूरे देश का फर्ज है कि वॉर की सिचुएशन में साथ रहें। प्रधानमंत्री पर लाजिम है कि वो सबको साथ लेके चलें,
और लोगों को है कि भाई जो अवॉइडेबल सवाल यहाँ पर ये है कि अगर ये बहुत छोटी बात है, अगर आप इस बात को गंभीर नहीं मानते तो सवाल विपक्ष इसको चुनाव से AIMIM वाले इसको सांप्रदायिक रख देकर के कह रहे हैं उन्होंने बकरीद नहीं बोला, ये इस तरह के मायने निकालने का मतलब क्या है फिर? ये तो सियासत है तौरी तौर पर, उससे तो बचना चाहिए इनको। मेरा ख्याल है कि वो अगर वो नाम नहीं लेते तो न ले, उनके क्या फर्क पड़ता है, उनकी तो पॉलिटिक्स जो है आरएसएस का से आएगा। ये सबका साथ सबका विकास का नारा क्यों लगाया आपने, खोखला नारा? ये तो इस बात का सबूत है कि आपने झूठा नारा लगाए थे। अरे मैंने नहीं लगाया, आपको बाजू डालना चाहते। नहीं 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 नहीं, अरे मैंने कोई नारा नहीं लगाया, झूठा नहीं है, बिल्कुल झूठा नहीं है। शेष नायक जी वरिष्ठ पत्रकार है, चंद्रमोहन जी बोलिए क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए अनुपम जी, मैं पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकारों के द्वारा जितनी योजनाएं आई हैं, कोई भी एक योजना हिंदू मुसलमान के नाम पर हो तो कोई बता दे मुझे, बताइए। आरिफ साहब जवाब दीजिए, हो चाहे उज्ज्वला की बात हो, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे आवास की बात हो, कोई एक योजना योजना हिंदू मुसलमान की है, मैं बता सकता हूँ। और मैं पूर्व की सरकार उत्तर प्रदेश में वो सरकार थी जो कब्रिस्तान की चार दीवारी बना सकती, लेकिन संसार का बदहाली में छोड़े हुए थे। आज हम सबका साथ सबके विकास के प्रति बिल्कुल रुकिए, उनसे समझ लेते हैं, जो बातें सियासत के केंद्र बिंदु में कभी रुकती नहीं है, सियासत का पन्ना लिखते रहो तो कभी भरता नहीं है। वली साहब, जो वास्तविक स्थिति इस देश की इस वक्त है, कोरोना को लेकर के जो आंकड़े हैं और प्रधानमंत्री का संबोधन और स्वास्थ्य महकमे के और तमाम लोगों के जो प्रयास है, इन सब के बाद सिचुएशन को आप किस तरीके से देखते हैं, कैसे इस संकट से हम निपटेंगे? बहुत ब्रॉड माइंडेड, देखिए आप मुझको बोलने दीजिए। जी बोलिए। बहुत ब्रॉड माइंडेड कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको एक वर्ड बोलना चाह रहा था, उससे पहले मैं गीता का एक श्लोक पढ़ूंगा जिसका कोरोना से बड़ा गहरा संबंध है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देव दत्तम धनंजया पौंड्रम दम्यो महाशंका भीम कर्मा व्रको दया। इसमें श्री कृष्ण भगवान ने पांच जन्य और अर्जुन ने देवदत्त और भयानक कम करने वाले भीमसेन जी ने पौंड्रम नामक महाशंख बजाया। इस महाभारत से अच्छा यह है कि हम इस शंख से शिक्षा लें कि हमको लंग्स को मजबूत करने के लिए शंख बजाना है या कृष्ण जी की बांसुरी बजानी है या इस्लाम में जो बताया गया है कलौंजी खाइए वो करना है, तो ये अच्छा होगा। गरीब की भूख को एड्रेस किया गया है, इसका कोई धर्म नहीं होता मेरे हिसाब से। कोरोना जब तक रहेगा हमको इसी तरह एकजुट होकर काम करना चाहिए, काम करना पड़ेगा। ये इस तरह की बातों से मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है, कोरोना हमको नहीं तो बर्बाद कर डालेगा। इस वक्त जो मुझे अपील की है जो बात, तो क्या इस बात को हम नहीं समझ पा रहे हैं वली साहब? एड्रेस टू दी केयरलेसनेस ऑन वन साइड एंड पॉवर्टी एंड भूख, जो हम अभी तक मैं कह रहा था चिल्ला चिल्ला के ये भूखे जा रहे हैं और लोग नाराज होते थे जब मैं ऐसे बोलता था कि भूखी लेबर जा रही है, इनकी भूख इनको घर ले जा रही है, तो उसी को तो एड्रेस किया है। इसमें वॉट इज रॉन्ग, दिस इज नथिंग रॉन्ग, मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, मैं थोड़ा ब्रॉड माइंडेड पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ। और कोरोना के साथ रहना है, ऐसे बहुत से मसले आएंगे, अभी लोगों को ब्लड डोनेशन का मसला आएगा, फिर देखिए क्या होगा, सबका खून सबको चढ़ेगा, सब लोग ब्लड देंगे, प्लाज्मा देंगे, सब एक दूसरे की सहायता करेंगे, तो ये होने वाला है। आज दिल्ली में ब्लड बैंक बना है, ये होगा, सबका खून लाल होता है, सबको ब्लड देना है, ये करना पड़ेगा। भारत गंगा जमुनी तहजीब का नाम है। बिल्कुल बिल्कुल वली साहब, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। जाहिर तौर पर कि सियासत एक तरफ है, हमें इस सिचुएशन को समझना होगा और वास्तविक तौर पर जो लापरवाही जो लोग बरत रहे हैं वो इसका खामियाजा भी भुगतेंगे। ये बात डॉक्टर वली साहब बड़ी प्राथमिकता के आधार पर कह रहे हैं। दीपक सिंह, सवाल यहां पर यह है भाई, अगर प्रधानमंत्री मदद कर रहे हैं लोगों की तो मदद हो रही है, इसमें आपको चुनाव क्यों नजर आता है? आपको क्यों लग रहा है कि ये सब चुनाव के लिए हो रहा है? बिहार का चुनाव, बंगाल में जो है ममता बनर्जी कह दे रही हैं कि वहां मुफ्त राशन दे रहे हैं, सवाल यहां पर इस तरह की चीजें क्यों निकल रही हैं सामने, आपको ऐसा क्यों लगता है? ये तो आप ही की मांग थी। नहीं, बिल्कुल मांग थी, कांग्रेस पार्टी की एक ही मांग नहीं थी, कांग्रेस पार्टी की अनेक मांगे थी।
ये अलग बात है कि जो हमारे देश के संविधान, जो हमारे देश का कानून कहता है, उसके लिए प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री जो उम्मीदें थी वो बोलेंगे। बिहार के चुनाव की भाषण था, बिहार के चुनाव पर मुख्यमंत्री के वादे थे, और इसके पहले मुख्यमंत्री जी बहुत सारी बातें कह चुके हैं जो सच नहीं हुई। भाजपा को सूट क्या करता है, जो MIM भाजपा की तूतू मैमे है, ये इनकी असलियत है। असलियत ये चाहिए था कि बड़ा दिल करके जो देश के मन की बात है उसको कहते। प्रधानमंत्री जी का भाषण भटका हुआ था, श्रमिक एक्सप्रेस की बात था जो जानी थी, गोरखपुर पहुंच गई मुंबई। तो इस तरह से इसको चुनाव का पूरा केंद्र बिंदु बना के बिहार को भाई चंद्रमोहन जी ऐसा लगता है आपको दिया है, वो कांग्रेस इस तरह के आरोप लगा रही है, आ रहा है। क्या क्या इसका पॉलिटिकल माइलेज देने की बीजेपी ने कोशिश की है, जवाब दीजिए। देखिए अनुपम जी, कांग्रेस जो है वो गरीब को गरीब रखना चाहती है, गरीब बदहाल रखना चाहती है, क्योंकि जो पलायन भी हुआ वो कांग्रेस शासित राज्यों से हुआ। अरे एक भी चंद्रमोहन जी, आप भाजपा की कोई स्कीम बताइए जो आज इस कोरोना महामारी में कारगर हो। आज वही स्कीमें चल रही हैं जो कांग्रेस पार्टी ने लागू की थी। राहुल गांधी केवल और केवल फोटो सेशन। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं भाई, एक दिन फोटो सेशन कराया दिल्ली में बदहाल स्थिति है, लेकिन राहुल। अरे प्रधानमंत्री आज भोपाल मंत्री बनकर सामने आए थे, राहुल गांधी जी ने जो जो कहा सच हुआ। राहुल गांधी देश के जिम्मेदार सांसद हैं, उसके नाते अगर उनकी बात मानी होती तो आज हमारा देश सुरक्षित होता। उनकी बातें आप तो मान नहीं रहे थे क्योंकि आप अहंकार में थे। देश के प्रधानमंत्री जी की फोटो को शौक हो गया जो बातें आज कहने आए थे। क्या क्रेडिट गेम चल रहा है कोई क्या? अरे साहब दीपक सिंह, सवाल यहाँ पर ये है, अगर आपने जो बात कही वो बीजेपी ने मारी, क्या क्रेडिट गेम है क्या? आप उसका क्रेडिट मांग रहे हैं? रुपए तेल के बड़े दाम से आए हैं, उसको गरीबों में बांटेंगे। अरे ये योजनाएं तो भारत में चल रही थी, कांग्रेस पार्टी की बनाई हुई स्कीमें हैं। मैं रुकूंगा, चंद्रमोहन जी रुकिए भाई, रुकिए। हुसैनी साहब मत बांटो इंसान को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। अरे हुसैनी साहब, अगर प्रधानमंत्री जिसको हमने इतनी बड़ी गद्दी पर सबने चुन करके बिठाया है, उसको लेकर के आपकी पार्टी इस तरह की सोच रखेगी तो क्या होगा इस देश का? मुसलमान कैसे भरोसा करेंगे प्रधानमंत्री पर अगर आप जैसे लोग इस तरह के नफरत के बीज बोएंगे? अनुपम जी मैं एक बात कह दूं, एक बार अगर एक समाज को बाजू में लाते हैं, अभी गरीबों की बात कर रहे हैं ना साहब, मेरे को सिर्फ 30 सेकंड का टाइम दीजिए। 16,893 लोगों की अभी तक डेथ हुई है, प्रधानमंत्री कौन से गरीब के लिए अभी तक मुआवजा देने की बात की है, कौन सा मुआवजा देने की बात की है? सिर्फ झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। पूरे बीजेपी के लोगों ने देश का सत्यानाश करके रख दिया, डीजल पेट्रोल से आगे निकल गया। और अभी आपको मालूम होगा कि इनका जो टेररिज्म से लड़ने का क्या नारा है, अभी देवेंद्र सिंह जो है तो टेररिस्ट को लेकर दिल्ली को आ रहा है, तो उसका चार्जशीट डाला। सारी चीजें ठीक है भाई, लेकिन सिर्फ बकरी ना बोलने से आप इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं देख सकते। चंद्रमोहन जी देखा जा सकता है क्या इसको? इसमें हिंदू मुस्लिम आए, ये केवल केवल और केवल सांप्रदायिकता की बातें करना, देश विरोधी बातें करना, यही इनका चेहरा है, वही ये दोहरा रहे हैं। आज इनको भारतीय बोलना चाहिए, राजनीति के बारे में महाराष्ट्र नहीं बोलेंगे। महाराष्ट्र में क्या हालत हो रही है, कोरोना से लड़ाई नहीं बोलेंगे, ये जो बोलना है वो भाजपा के खिलाफ बोलेंगे। क्यों नहीं कर रहे प्रधानमंत्री? 16 लाख, अरे भाई आज देश की क्या हालत कर दी है कांग्रेस पार्टी? पूरे देश की बात करती है, आज पूरे देश के लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में शुरू किया था वो मॉडल पूरे देश में होना चाहिए, पूरे देश को न्याय मिलना चाहिए। आपने 22 करोड़ रुपए कमाए हैं टैक्स के नाम पर। दीपक सिंह कांग्रेस आज कहीं नहीं है, कांग्रेस की दुर्दशा इसीलिए यही कारण है क्या जो ये सब हम देख रहे हैं कि कोई मजहब की रोटियां सेक रहा है, कोई सियासी रोटियां सेक रहा है, और ये हालात हो गए हैं कि हमारे माथे पर चिंताएं हैं, शिकन है, हम इससे कैसे निपटें? मैं बता रहा हूँ। देखिए अगर हम बकरीद को याद करना चाहते हैं तो हम जैसे जो संभ्रांत लोग हैं वो गरीबों के लिए कुर्बानी करके उनके मुंह में दो निवाले रखते हैं, वो बकरीद ये त्यौहार है, हम किसी से मांगते नहीं हैं। हम लोग जो सोसाइटी के संभ्रांत लोग हैं वो अपने घर से उन गरीबों को खाना बांटते हैं, खिलाते हैं इस त्यौहार पर।
इसको अगर याद करना था तो इस तरह से याद करना अच्छा होता। हम जो परिचय करा रहे हैं, बहुत बड़ी बात करें वली साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए महाबहस में। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है, क्या मजहब की बातें करके, सियासी रोटियां सेक करके हम कहीं ना कहीं नमक छिड़कने की कोशिश नहीं?